हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी एक अच्छी स्थिति में होगी और चरम अवस्था को प्राप्त कर रही होगी। आज सभी को मालूम है कि आज हम लोग जो है 19 जून को जो एग्ज़ाम होने वाली है उस पर चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा दो हिस्सों में होगी। अभी तो मैं ये बताने वाला हूँ कि जो समय बचा हुआ है, लगभग 14 दिन का समय बचा है, इस समय में आपको किस तरीके से तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। और इसके बाद एक पार्ट होगा एग्ज़ाम के ठीक पहले। एग्ज़ाम के ठीक पहले में ये बताऊंगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम देते समय क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो अभी हम ये चर्चा करने वाले हैं कि 14 दिन जो बचा हुआ टाइम है, 14 दिन का, इस टाइम पीरियड में आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी इसके लिए होनी चाहिए। ये बहुत ही निर्णायक समय है 14 दिन का जो बचा हुआ है। इसमें एक एक मिनट का सदुपयोग आप लोगों को करना है। दिन पूरे समय आपने पढ़ाई की है, मतलब पूरे साल आपने पढ़ा है, लेकिन अगर 14 दिन आपने सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी के साथ आपने तैयारी नहीं की है तो पूरे साल की पढ़ाई का ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो इस समय जो है क्या हमें रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरीके से जो है हमें पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम बात करने वाले हैं। वैसे तो कोई ऐसी रणनीति नहीं है जिसका कोई उसका मानदंड नहीं है, मानक नहीं है कि भाई यही रणनीति होती है, है ना। उस पर ऑब्जेक्शन भी होंगे, मैं जो बताऊंगा उस पर लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, है ना, हम तो ऐसा पढ़ते हैं और हम सिलेक्ट भी हो रहे हैं। इस तरह की चर्चा भी होगी, इस तरह के लोग बात करेंगे, लेकिन मैं अपने अनुभव से जो उचित रणनीति है उसको बताने वाला हूँ। देखिए, 14 दिन का जो समय है, इस 14 दिन में आपको जो है हर दिन का टारगेट फिक्स करना है। पहले तो 14 दिन के लिए आप टाइम टेबल फिक्स कर लें कि भाई हमें जो है इस तरीके से आगे बढ़ना है, इन इन सब्जेक्ट को पढ़ना है। और वैसे तो मैंने पहले भी बच्चों को बताया है यहाँ पर जो पढ़ते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए इस दौरान, इस टाइम पीरियड में। 14 दिन का टाइम टेबल फिक्स करना है, फिर हर दिन का टारगेट आपको डिसाइड करना है और उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करना है। मैंने तो ये भी बोला है, अभी बोल रहा हूँ कि एक दिन में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन कौन ऐसा कर सकता है जिसने पूरे साल तैयारी की? अगर कोई चाहे जिसने 4 महीने पहले 3 महीने पहले जिसने तैयारी स्टार्ट की है, वो जो है एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, है ना। लेकिन पढ़ने का प्रयास हमें करना है। एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे का टाइम डिसाइड कर लें हर सब्जेक्ट के लिए। कुछ सब्जेक्ट जो ज़्यादा, जिनको वेटेज देना है, उनके लिए ज़्यादा समय डिसाइड करें, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे बहुत समय है इस समय। मतलब ऐसी स्थिति होती है इस समय कि आप एक घंटे में इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे कि आपको समझ ही भी नहीं आएगा कि मैंने इतना कैसे पढ़ लिया, ऐसा होता है। इस समय की तैयारी होती है बहुत अलग लेवल की तैयारी होती है, होनी चाहिए, और तभी सिलेक्शन होता है। हम जो है एक ही सब्जेक्ट को घिस रहे हैं, पूरे दिन जो है उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो वो तैयारी नहीं है। चीज़ों को बार बार जो है नज़रों से गुजारना है, जितनी बार नज़रों से गुजरेंगी चीज़ें उतना ही आपको कन्फ्यूजन कम होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप कॉन्फिडेंस से जो क्वेश्चन लगाएंगे वो आपका सही निकलेगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो फास्ट रिवीजन करने का समय होता है इस समय। जो है हमें चीज़ों को बार बार दिमाग से, नज़रों से गुजारना है, फास्ट रिवीजन करना है और लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने का प्रयास करना है। एक दिन जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, अगले दिन पढ़ने से पहले उन चीज़ों को रिवाइज किया जाता है। जैसे आज जो हमने जो पढ़ा है, कल हम जब स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो आज की चीज़ों को फटाफट फटाफट जो है
10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे में रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे हमें बढ़ना है। जैसे अब सीरियल होता है, टीवी सीरियल आते हैं ना, तो उसमें रिकैप करके आता है, जैसे जो कल उन्होंने दिखाया था आज शॉर्ट में उसको दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही रिकैप वाला सिस्टम आप लोगों को भी अपनाना चाहिए, है ना। तो उससे क्या है, हम लिंक्ड हो जाते हैं, पुरानी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उससे जो है हम जुड़ जाते हैं, और फिर आगे हमें पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है, है ना। सब्जेक्ट को एनालिटिकल तरीके से पढ़ना है, और फैक्चुअल तरीके से तो खैर पढ़ते ही ना। अब आजकल प्री जो है केवल फैक्चुअल नहीं रह गई, जैसे ये पहले माना जाता था कि प्री फैक्चुअल है और मेंस जो है एनालिटिकल है, अब दोनों फैक्चुअल एनालिटिकल हो चुके हैं, प्री भी फैक्चुअल एनालिटिकल है और मेंस भी फैक्चुअल और एनालिटिकल हो चुकी है। तो हमें जो है सब्जेक्ट्स को फैक्चुअल तरीके से भी पढ़ना है और एनालिटिकल तरीके से भी पढ़ना है, यानी उसमें हमें फैक्ट भी देखना है और वो फैक्ट क्यों है उसका भी पता लगाना है, है ना। मतलब क्या है और क्यों है, ये फ़र्क होता है। कोई चीज़ क्या है वो फैक्ट है, और वो चीज़ क्यों है वो एनालिटिकल है, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैव विविधता, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, बहुत फेमस क्षेत्र है, ये हो गया फैक्ट। और जैव विविधता का ह्रास क्यों हो रहा है, जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण क्या हैं, ये हो गया एनालिटिकल। जैसे पॉलिटी की हम बात करें, जैसे अब आ गया राष्ट्रीय आपात, जो पहला राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये हो गया फैक्चुअल। राष्ट्रीय आपात जब लागू हो जाता है तो उसका भारतीय राजनीति पर क्या असर होता है, ये उसका फैक्चुअल एनालिटिकल हो गया, है ना। तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि पिछले बार जिस तरह से पेपर आया है उसको देखते हुए हमें जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले सीधी सीधे क्वेश्चन आते थे, आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन कम आ रहे हैं। एक चीज़ और इसमें हुई है जो पिछले पेपर हमने देखी है, कि करंट से जोड़ करके क्वेश्चन को पूछा जाता है, उससे जुड़ा हुआ कोई करंट की घटना हुई है तो उसका बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे फ्रैंक एंथोनी को मैंने कई बार बताया भी क्लासेस में, फ्रैंक एंथोनी का जो क्वेश्चन आया था वो हवा में क्वेश्चन नहीं था, हवा में तीर नहीं चलाया था उन्होंने, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन फ्रैंक एंथोनी का आया था, क्योंकि फ्रैंक एंथोनी जो है एंग्लो इंडियन थे, और एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान संविधान में जुड़ा था वो उनके प्रयासों से ही जोड़ा गया था, और एंग्लो इंडियन संबंधी प्रावधान हटाया गया था उसी समय, 104 अमेंडमेंट वही है ना, 104 अमेंडमेंट के तहत उसको हटाया गया था। तो उससे रिलेटेड जो है फ्रैंक एंथोनी क्वेश्चन आया था, और वो एमपी से रिलेटेड भी है, जबलपुर के रहने वाले, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं करंट से जोड़ करके क्वेश्चन था। अभी जैसे 97 अमेंडमेंट के कुछ प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के जरिए हटाए गए हैं, अभी जो नया जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो उसमें क्या किया है उन्होंने, 97 अमेंडमेंट जो सहकारी संस्थाएँ हैं उनसे संबंधित प्रावधान 97 अमेंडमेंट में किए गए थे, भाग 9 बी जोड़ा गया था, तो उससे संबंधित प्रावधान जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हटा दिए गए। तो इससे जोड़ करके कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी करंट की घटनाएं हैं उनको बेसिक चीज़ों से जोड़ करके हमें पढ़ना है। अब यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो एमपीपीएससी में भी पूछे जाने लगे। यूपीएससी में तो हिस्ट्री भी जो है करंट से जोड़ करके पूछते हैं, बाकी चीज़ें तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री भी जो है वहाँ पर करंट अफेयर से जोड़ करके यूपीएससी में पूछी जाती है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस एग्जाम। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है, बार बार जो है ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हमें पढ़ना है जो आपको भूल रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, एकदम फैक्ट हैं, और जैसे ईयर हैं, डेट हैं, है ना, इकोनॉमी के डेटा हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स वगैरह हैं, पॉलिटी के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स का हर बार पूछ रहा है, तो ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनको हम बार बार भूल जाते हैं उनको जो है आपको रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा समय पर सिलेबस हो जाएगा, है ना, जब हम चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा और हमारा सिलेबस भी समय पर कम्प्लीट हो जाएगा।
अब मैं बताने वाला हूँ कि कई बच्चों में ये भ्रांति रहती है, कई बच्चे ये डिस्कस करते हैं कि पिछले बार पेपर ऐसा आया था तो इस बार कैसा पेपर आएगा, है ना। पिछली बार थोड़ा सा हटके पेपर आ गया तो इस बार कैसा पेपर आएगा, इसके बारे में तो जो जिसने पेपर बनाया है वो भी नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? कि उसको पता ही नहीं कि मेरा पेपर आने वाला है, है ना। कम से कम 3 से 4 पेपर जो है MBPSC बनवाता है, 4-5 लोगों से बनवाता है, तो ये तो उसको पता है कि भाई मैंने पेपर बनाया है, लेकिन ये वो शेयर नहीं कह सकता कि मेरा ही पेपर आने वाला है। तो जिसने पेपर बनाया वो भी नहीं कह सकता कि कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सरल आएगा, कठिन आएगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। जब पता ही नहीं है तो इस पर बहस क्या करना। लेकिन कई बच्चे जो है इसी को लेकर के डिस्कस करते रहते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं हो, है ना। तो ये गैर जरूरी चीज़ें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, चांस नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है तैयारी करना चाहिए। पुराना पेपर आया हुआ उसको थोड़ा सा आधार तो माननी पड़ता है, है ना। पुराने पेपर को आधार माने, पुराने पेपर का अनुकरण करें, लेकिन उसका अंधानुकरण नहीं करें, है ना। अंधानुकरण नहीं करें मतलब जो चीज़ें उसमें आई हैं उसी तरीके से तैयारी आप करने लग जाओ, ये अंधानुकरण होगी। जैसे पिछली बार क्या आया, पिछली बार जो है पॉलिटी का कई क्वेश्चन आया, कई बार उसको मैंने डिस्कस भी किया, पिछली बार जो है एक अनुसूची की जो है प्रविष्टि का क्वेश्चन आया है, है ना। पिछली बार आया था कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुसूची की किस प्रविष्टि में दिया गया, ऐसा क्वेश्चन था पिछली बार। अब जो व्यक्ति अंधानुकरण करेगा वो जो है क्या करेगा, वो संघ सूची, राज सूची, समर्थित सूची की जो लिस्ट है उसमें जो प्रविष्टियां दी गई हैं उनको पूरा तैयार कर लेगा। अब उनको तैयार करने का मतलब क्या है, और तैयार करने का मतलब भी हो लेकिन तैयार कर ही नहीं पाएंगे ना, मतलब तो खूब हो लेकिन तैयार क्या कर लेंगे आप। 97 सब्जेक्ट जो है संघ सूची में है, 66 सब्जेक्ट राज सूची में है, 47 सब्जेक्ट जो है समवर्ती सूची में है, तो क्या आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन जो अंधानुकरण करते हैं, जो पुराने पैटर्न को फॉलो करते हैं पूरी तरीके से, वो ऐसा करेंगे। जैसे पिछली बार एक हिस्ट्री में कोटेशन पूछे गए, अब वो कोटेशन ढूंढेंगे, कोटेशन पढ़ेंगे, तो जो पिछला पेपर आया है उसी आधार पर अगला पेपर नहीं आने वाला है। अगले पेपर में कुछ और चीज़ आ जाएगी और आगे कुछ और चीज़ आ जाएगी, तो इस तरीके से जो है आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे क्या आगे होने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से उठपटांग क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको कोई भी पकड़ नहीं सकता है। इसके पीछे जो व्यक्ति भागेगा, जो स्टूडेंट भागेगा, वो जो है प्री में सफल नहीं हो सकता है। बहुत से लोग भागते हैं। हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हमें बेसिक चीज़ों पर फोकस पूरी तरीके से करना चाहिए। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको आपको पकड़ के रखना है, उनसे आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, और उसी आधार पर सिलेक्शन होता है, कभी ऊटपटांग क्वेश्चंस के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है। पिछले बार का पेपर आप उठा के देखें, आज ही जाके देखना, उसमें करीब 70 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे, 30 के आसपास क्वेश्चन जो है इस तरह के थे जो थोड़ा सा आउट ऑफ पैटर्न थे, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं थे, आउट ऑफ पैटर्न थे। तो आप 70 क्वेश्चन चलो छोड़ दो, 65 क्वेश्चन ही अगर आप करके आ रहे हैं, और 30 जो क्वेश्चन है उसमें 4-5 क्वेश्चन तो तुक्के में ही सही हो जाते हैं भाई। 70 क्वेश्चन जो बेसिक हैं उसमें अगर आपके 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जो 30 क्वेश्चन हैं उसमें 5 क्वेश्चन तो आप जो है कॉमन सेंस लगा के प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर 5 क्वेश्चन तो सही कर ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 30 में 30 आपके गलत हो जाएंगे, 70 में आपके 5 गलत हो रहे हैं लेकिन वहाँ पर 5 कवर हो रहे हैं, तो ऐसे 70 के 70 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते थे उसमें, लेकिन नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि वो पेपर थोड़ा सा हट के आया और उससे कई बच्चे जो है घबरा गए, हाथ पैर उनके फूल गए, और इससे जो है आते हुए क्वेश्चन जो है गलत करके आ गए और बाहर हो गए। ये हुआ है पिछले बार। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे हमारा जो सेट होता है
सेट अलग अलग होते हैं, किसी के सेट में टफ क्वेश्चन आ गए। पहला सेट उसका आया हिस्ट्री का, हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ हैं, तो वहाँ से उसने स्टार्ट किया और पूरा जो है उसका चौपट हो गया, माइंड पूरा खराबी हो गया कि अरे पता नहीं अब क्या होगा हमारा। ये भी हुआ है पिछले बार, जिसके सेट में जो है टफ क्वेश्चन पहले आए उस वो जो है डिमोरलाइज हो गया, डिमोटिवेट हो गया और बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आ गया और वो बाहर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है पिछली बार हुई हैं। तो इस बार आप लोगों को ये ध्यान रखना है पेपर कठिन आए पेपर सरल आए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपके लिए सरल है और कठिन है तो दूसरे के लिए भी वही होगा जो आपके लिए है। पेपर सरल है तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि पेपर सरल है तो हमारे लिए सरल है तो बाकी के लिए भी सरल होगा, हम ही को सरल लग रहा है बाकी को कठिन लग रहा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको टफ लग रहा है तो बाकी के लिए भी टफ होगा। आपको ये माइंड सेट करके चलना है कि हमें जो है घबराना नहीं है कैसा भी पेपर आए, और बेसिक चीज़ें ही ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको पढ़ना है, इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब मैं अब बताने वाला हूँ कि क्या नहीं करना है। यूँ तो मैंने बोला, ये मैंने अभी बताया कि हमें ये चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बच्चे जो है अभी मैंने उनको कल ही थोड़ा सा डांटते हुए समझाया है ना, एक होता है समझाना एक डांटते हुए समझाना, तो डांटते हुए समझाया है कि ऐसे नहीं करना है ना। आपको जो है अब डिस्कस नहीं करना है बिल्कुल भी, जो समय बचा हुआ है 14 दिन का समय बचा हुआ है, इसका एक एक मिनट कीमती है मैंने जैसा कि बोला, तो इसमें जो है आपको सेल्फ स्टडी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग से गुजारना है, माइंड से गुजारना है। डिस्कस करने में समय बर्बाद नहीं करना है। डिस्कस करने का समय होता है, डिस्कस करना कोई गलत चीज़ नहीं होती है, लेकिन समय के हिसाब से सही होता है। एक महीने डेढ़ महीने पहले एग्ज़ाम के आप डिस्कस कर सकते हैं और करना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अभी डिस्कस करने का समय नहीं है। ना तो किसी से कोई क्वेश्चन पूछें और ना ही पूछने दें। अगर वो पूछता है तो मना कर दो, भाई क्वेश्चन नहीं पूछना है ना। मोबाइल पर जो है चैटिंग वगैरह है, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ। अभी से ये देखो बैठे हैं, क्या नाम, पिछले बार उन्होंने पिछले बार क्या हुआ कि इन्होंने जो है YouTube चैनल लास्ट में देख लिया, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर जो है उन्होंने गलत बता दिए, तो दो तीन क्वेश्चन उनके ऐसे गलत हो गए, इस चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये देखो इतना लॉस होता है। इसलिए जो है इस समय आपको बिल्कुल भी सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना है, है ना, अपने आप का सहारा लेना है ना। सोशल मीडिया के सहारे नहीं रहना, उसके भरोसे नहीं रहना, आप जो है सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो, है ना, और खुद जो है तैयारी करो, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कि कोई ये बताएगा तो हमें पता चलेगा। आप जो है ज़्यादा ज़्यादा सेल्फ अलग रह करके आपको तैयारी का अलग थलग हो जाना है बस, है ना। ये जो समय है अलग थलग रहने का समय है, अलग थलग रह करके जो है एक जगह बैठ करके इत्मीनान से जो है आपको बार बार चीज़ों को पढ़ना है ना। टेस्ट पेपर जो है जैसे ऊटपटांग मार्केट में टेस्ट पेपर चल रहे हैं, आउट ऑफ पैटर्न टेस्ट पेपर चल रहे हैं, वो बच्चे सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व नहीं करना है। वैसे तो टेस्ट पेपर सॉल्व करने का टाइम लगभग चला गया है, अब टाइम नहीं है। जिसने मान लीजिए टेस्ट सीरीज लेट ज्वाइन की है, अब वो कहेगा मुझसे कि सर हमने तो लेट ज्वाइन की है, आपके यहाँ टेस्ट सीरीज, तो हम क्या करें। तो लेट ज्वाइन की है तो अभी कुछ समय आप टेस्ट लगा सकते हैं। जिन्होंने पहले लगा दिया वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब जो लेट ज्वाइन कर रहा है, जैसे कई बच्चे मेंस देके आए हैं, तो उनको तो अभी देना पड़ेगा टेस्ट, है ना, तो वो कुछ समय अभी दे सकते हैं, एक हफ्ते में टेस्ट का काम जो है पूरा निपटा लें। पुराने जो टेस्ट आप लोग दे चुके हैं वो टेस्ट जो है रिवाइज करें, है ना। पुराने टेस्ट जो जैसे टेस्ट पेपर है उनका सॉल्यूशन है, डिस्क्रिप्शन है, उनको जो है अच्छे से रिवाइज कर लें। नया टेस्ट जो है देने का ज़्यादा नहीं करें, इधर उधर के टेस्ट नहीं दें, जो पैटर्न के हिसाब से टेस्ट हैं उनको जो है देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि कई जगह ऐसे पेपर होते हैं कि 50 क्वेश्चन तो उसमें ऐसे रहते हैं कि जो कभी आना ही नहीं है,
50 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कभी आते ही नहीं हैं, आउट ऑफ पैटर्न हैं, और उनको आप अगर देंगे आपसे पेपर नहीं बना, मतलब आपसे 85 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फिर आप सोचेंगे अरे यार हमारी तो तैयारी नहीं है, हम तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा हमारा पेपर ऐसे ही जाएगा। एक पेपर ऐसा होता है जिसमें एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन रहते हैं, ऑनलाइन फैक्ट रहते हैं, है ना, तो उसमें आप 90 क्वेश्चन कर देंगे, 95 क्वेश्चन कर देंगे, तो उससे भी लॉस होगा। उससे क्या लॉस होगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अरे हमारी तैयारी पूरी हो गई, हम तो 95 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारे ऐसे जाएंगे तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, तो आप पढ़ना थोड़ा लूज हो जाएंगे, कम पढ़ने लगेंगे, तो वहाँ भी एक लॉस ही है। तो इस तरीके से जो है पेपर ऐसे दें जो पैटर्न के हिसाब से हैं, अच्छे पेपर टेस्ट पेपर हैं उनको सॉल्व करें, और पुराने जो पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जो भी आपके पास डिस्क्रिप्शन है पेपर है, उनको जो है रिवाइज जरूर कर लें, है ना, क्योंकि आपने पहले तो दे दिया है और बाद में उसको पेपर को देखा ही नहीं है, वहीं से पता चला क्वेश्चन आ गया, आपको पता ही नहीं कि उसमें पेपर में क्वेश्चन था, उसका आंसर ये था। तो रिवाइज पूरे पेपर आपको करना है, एमपी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, एमपी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन तो लगातार आ ही रहे हैं, 35 क्वेश्चन लगकर आ रहे हैं, 2-3 बार से देख रहे हैं। करंट अफेयर चूँकि नया रहता है तो उसको तो रेगुलर ही पढ़ना पड़ेगा, रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ें। अभी जैसे अक्टूबर तक का मैंने टेलीग्राम पर डाला है, कल एमपी करंट अफेयर्स भी डल गया है, आधा एक पार्ट डला हुआ है, एक पार्ट आपको एक दो दिन में और मिल जाएगा, और बचा हुआ जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो जो भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको अच्छे से रेगुलर पढ़ते जाएँ। अभी जो है उसको एक दिन में एक महीने का आप जो है करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, और फिर आगे चल करके उसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, है ना। आयोग वाला जो टॉपिक है यानी यूनिट 10 यूनिट है उसको रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, रोज़ जो कन्फ्यूज करने वाली चीज़ें उनको देखें, नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, नियुक्ति समिति होती है उसमें कौन सदस्य होता है, कौन अध्यक्ष होता है, उसके उनके कार्यकाल के संबंध में है, हटाने संबंधी प्रावधान है, स्थापना का ईयर है, डेट है, है ना, और अधिनियम है, आर्टिकल है, तो इससे संबंधित चीज़ें जो है आपको रेगुलर पढ़ना है। मैंने कई बार बताया कि उसकी एक टेबल हम बना सकते हैं, है ना, उसकी एक टेबल बना लें, टेबल में वही चीज़ मेंशन करें जो आपको कन्फ्यूज करने वाली है, सारी चीज़ें टेबल मेंशन कर देंगे तो फिर टेबल ही बहुत भारी भरकम हो जाएगी, है ना, उसमें केवल वही चीज़ टेबल में रखें जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री वाला जो पोर्सन है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है नॉर्मली, हालांकि उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मॉडर्न पूछेंगे, एंशिएंट पूछेंगे या मेडाइवल पूछेंगे, लेकिन मॉडर्न का ज़्यादा जो है रहता है उसका आने का। इसके अलावा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी कुछ चीज़ें ऐसे, अब साइंस वाला पोर्शन बहुत वास्ट पोर्शन है ना, तो साइंस में बायो पोर्शन ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, उनको अच्छे से आप कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आईटी वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत उठपटांग चीज़ आ रही हैं, तो उस पर ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ेंगे भी तो वो आपसे बनना संभव नहीं, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, जिसका बैकग्राउंड है वो कर सकता है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है आईटी बैकग्राउंड तो उसको प्रॉब्लम आएगी उसमें, तो उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर संबंधी आईटी संबंधी उनको जो है पढ़ लें अच्छे से, बहुत ज़्यादा उस पर जो है आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आए आईटी से, यूनिट जो कौन सी 9 यूनिट है उसमें जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आए जिनका सब्जेक्ट था उनसे भी नहीं बने हैं, तो आप उसमें अगर ज़्यादा उलझेंगे तो अदर चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, इसलिए जो है उसमें उलझने का प्रयास नहीं करें। स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है वो भी सिंपल है, उसको भी अच्छे से आप कर सकते हैं, है ना, और पॉलिटी बहुत बड़ा हिस्सा है, पॉलिटी का बहुत बड़ा पोर्शन है, तो पॉलिटी ज़्यादा अच्छे से आपको करना है, जैसे एमपी की पॉलिटी अलग है, इंडियन पॉलिटी अलग है, उसमें इकोनॉमी भी है, उसको भी अच्छे से करना, तो ये पोर्शन जो है आपको अच्छे से करना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक करना है, करंट अफेयर्स से संबंधित कहाँ से कहाँ तक आपको पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है कि करंट अफेयर्स में क्या क्या आएगा, कहाँ से आएगा। तो देखिए करंट अफेयर्स में पिछले बार जो पेपर हुआ है उसमें फरवरी तक का पूछा गया, फरवरी तक का क्यों पूछा गया, क्योंकि उसमें अप्रैल में एग्जाम होने वाली थी और वो बढ़ करके जुलाई हो गई थी, और अब वो जो बढ़ी थी एग्ज़ाम वो एंड टाइम पर बढ़ाई गई थी, तो पेपर आप लोगों का पहले तैयार हो चुका था, इसलिए उसमें फरवरी एंड तक ही
एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसके आगे का नहीं पूछा गया था। तो इस बार मेरा जो आकलन है वो फरवरी के बाद यानी मार्च अप्रैल से करंट अफेयर्स आप लोगों को तैयार करना चाहिए। और मैंने जो करंट अफेयर्स तैयार करके दिया है, जो टेलीग्राम पे डाला है, उस मार्च से ही स्टार्ट किया है। मार्च 2021 से हमने करंट अफेयर्स तैयार किए करवाया है किया है और इसके आगे आपको 15 मई 2022 तक तैयार करना पड़ेगा, है ना। मार्च अप्रैल 2021 से स्टार्ट करेंगे और मतलब अप्रैल 2022 तो पूरी पढ़ना है और थोड़ा सा स्टार्टिंग का मई भी आपको कवर करना पड़ेगा। वैसे अप्रैल तक ही आएगा लेकिन मई का भी थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने एक बताया है टाइम पीरियड कब से कब तक आपको पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, वैसे तो सारी पढ़ना है, उसमें कुछ छूटने का तो है नहीं, छोड़ने का तो है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा खास हैं, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, करना चाहिए। देखिए इस बार जो मेंस में निबंध के टॉपिक आए हैं, उन निबंध के टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन आएंगे। जैसे यूक्रेन संकट आया है, यूक्रेन संकट अभी चल ही रहा है तो उससे संबंधित क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से आएगा, है ना। निबंध में यूक्रेन संकट करके टॉपिक एक दिया था तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पर्यावरण सम्मेलन आया है ग्लासगो सम्मेलन का टॉपिक आया है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लासगो सम्मेलन, है ना। एक OTT वाला क्वेश्चन आया है, OTT वाला निबंध आया है तो OTT बहुत ज़्यादा बीच में विवाद चला है तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपको बना सकता है, OTT विवाद क्या है, है ना। तो ये तो मैंने बताए हैं निबंध से रिलेटेड टॉपिक, जो मेंस में निबंध में टॉपिक पूछे गए हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे वन रिपोर्ट आई है 2021, बहुत इम्पोर्टेंट है, दो साल बाद आती है, 2019 में आई थी और अभी 2021 में आई है तो वो इम्पोर्टेंट है रिपोर्ट, वन रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल ही आता है वैसे तो, क्योंकि अब इंदौर उसमें लगातार नंबर वन आ रहा है तो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन बन सकता है स्वच्छता सर्वेक्षण जो है। इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 नंबर का है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है, इंडिया के संदर्भ में भी और MP के संदर्भ में भी। मैंने दोनों के संदर्भ में अलग अलग दिया हुआ है मैटर, MP वाला जो अभी मैंने दिया है उसमें यह है, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाएँ ज़्यादा हो गई, 1020 हो गई, 1020 जो है लिंगानुपात हो चुका है, आप सोचो आप, जबकि पिछले 1000 से कम ही रहते थे, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रजननता दर 2.0 हो गई है, मतलब 2.1 का टारगेट रखते थे उससे भी नीचे आ गई है, MP की भी 2.0 हो गई। तो इस तरीके से जो है ये जो सर्वे है, ये सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अचीवमेंट वाला है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं एग्जाम में। एक गरीबी रिपोर्ट है, पहली गरीबी रिपोर्ट आई है जो नीति आयोग ने जारी की है, पहली गरीबी बहुआयामी रिपोर्ट जो है जो जारी हुई है नीति आयोग की, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा सूचकांक बहुत सारे जारी किए जाते हैं, वैश्विक नीति आयोग सूचकांक जारी करता है, उनमें मध्य प्रदेश की स्थिति पूछ सकता है, पहली पोजीशन किसकी, वो क्वेश्चन आता है, आ सकता है। इसके अलावा वैश्विक सूचकांक जो जारी होते हैं उनमें भारत की स्थिति पूछी जा सकती है, पहली नदी जोड़ो परियोजना चूँकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, केन बेतवा लिंक परियोजना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहली है चूँकि वो, है ना, स्टार्ट हो गई है केन बेतवा लिंक परियोजना तो इसका इम्पोर्टेंट हो गया है क्वेश्चन। इसके अलावा भारत अमृत महोत्सव जो चल रहा है, 75 ईयर्स हो रहे हैं, है ना, स्वतंत्रता के, तो अमृत महोत्सव संबंधी कुछ भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। खेल गतिविधियाँ बहुत सारी हुई हैं, टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें भारत की जो उपलब्धि है बहुत बड़ी उपलब्धि रही है अब तक की, तो वहाँ पर भी उससे भी क्वेश्चन बनेगा, है ना। टोक्यो पैरालंपिक उसमें भी भारत की काफ़ी अच्छी स्थिति रही, अब तक की सबसे अच्छी स्थिति रही है टोक्यो पैरालंपिक, तो ये दो बड़ी प्रतियोगिताएँ हुई हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है, IPL तो खैर होता ही है, है ना, और ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिताएँ वो हर साल होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं लगातार, है ना। तो ये खेलकूद गतिविधियाँ जो है, जो बड़ी गतिविधियाँ हुई हैं खेलकूद गतिविधियाँ, उनमें भारत की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी रही है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक बड़ा अचीवमेंट अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत का रहा है कि जो FDI है, FDI में भारत की पहली बार स्थिति आई है पाँचवीं पोजीशन पर भारत पहुंचा है FDI के मामले में। अंक टाट की जो रिपोर्ट है उसमें भारत पाँचवें स्थान पर पहुंच गया, ये पहली बार ऐसा हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसमें भारत की स्थिति चौथे नंबर पर आ गई है, ये भी पहली बार हुआ है। 600 अरब डॉलर के पार जो है विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार हुआ है, तो ये इकोनॉमी के दृष्टिकोण से अचीवमेंट है। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम जो है, नए कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में एग्जाम पूछा सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जैसे आयुष्मान भारत का क्वेश्चन इसके पहले आया था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ा कार्यक्रम उसके बारे में पूछा गया था ना एक बार आयुष्मान भारत का। तो अभी जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्टार्ट हुआ है, मोदी जी ने स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। उज्ज्वला योजना जो है नई 2.0 स्टार्ट हो गई है, बहुत अचीवमेंट है उसके, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। मिड डे मील कार्यक्रम का नाम चेंज हो गया, बहुत पुरानी योजना है मिड डे मील कार्यक्रम, उसका नाम चेंज हुआ है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नए कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं, मैंने जो आपको दिए हैं उस मैटर, तो उसे आपको देखना है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं, उनके बारे में आपको तैयार करना है। इसके अलावा कुछ हादसे भी हुए हैं, जैसे कुन्नूर विमान हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा है ना, पहले CDS जनरल बिपिन रावत की उसमें डेथ हुई है, उसमें 3 लोग MP के थे, है ना, उनके नाम पूछ सकता है। इसके अलावा लता मंगेशकर के बारे में पूछ सकता है, उनकी डेथ हुई है ना, और सुंदरलाल बहुगुणा है, और कथक जो नर्तक जी महाराज उनकी डेथ हुई है, तो ये कुछ जो व्यक्तित्व हैं उनकी डेथ हुई है, तो उनके बारे में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछ जा सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसके आगे जो है मैं आपको अगला जो सेशन लूँगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एग्ज़ाम देते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है। बहुत सारी गलतियाँ बच्चे जो है एग्ज़ाम देते समय करते हैं, तैयारी उनकी सब अच्छी है, लेकिन एग्ज़ाम देने में जो है कुछ गलतियां कर देते हैं, जो उसमें प्रविष्टियां रहती हैं वो गलत भर देते हैं, मतलब नए बच्चे तो करते ही, पुराने बच्चे भी करके आ जाते हैं। मेंस में भी ये चीज़ें हुई हैं, का मेंस में प्री में जो है जो भी भरवाया जाता है प्रविष्टियां, वो भरने में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको जो है आपको ध्यान रखना है। तो क्या सावधानी बरतनी वो हम बताएंगे। हाँ, अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो है हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है ना, क्योंकि इस समय जो है बीमारी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि हम जो है पढ़ाई में इतना ज़्यादा टेंस हो जाते हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं। पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, ना तो खाने का ध्यान है ना, ना तो सोने का ध्यान है, तो कहीं ना कहीं जो है हेल्थ जो है ख़राब हो जाता है, और फिर ये आपको जो है सिलेक्शन में बाधा पहुँचाता है। इसलिए जो है जो भी आप अपना रूटीन बनाएं, रेगुलर रूटीन बनाएं, प्रॉपर बनाएं, टाइम से आप खाना लें, खाना भी हेल्दी आपको लेना है ना, बाहर का खाना जो है तला हुआ खाना, स्पाइसी खाना आपको नहीं लेना है ना, मतलब बाहर तो वैसे खाते ही हैं बच्चे, बोलिए कि सर बाहर तो खाते ही हैं, टिफिन का खाना खाएं, मतलब बाहर वैसा खाना नहीं, स्पाइसी खाना, होटल का खाना नहीं, जो रेगुलर टिफिन का खाना आ रहा है उसी करें, और इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा फूड भी आप लोगों को लेना है, दूध वगैरह जैसे है बादाम वगैरह अगर ले सकते हैं तो, और फ्रूट वगैरह लें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो इनका सेवन करें। सोने का समय जो है ज़्यादातर लोगों का बहुत अलग रहता है, तो उसका बहुत ध्यान रखना है ना, पूरे रात जो है पढ़ते हैं और पूरे दिन सोते हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। लाइब्रेरी जो कल्चर आजकल हो गया है, तो क्योंकि लाइब्रेरी जो है पूरी रात चलती हैं आजकल लाइब्रेरी, तो पूरी रात बच्चे पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, मतलब वो नेचर के पूरा उल्टा हो गया, मतलब रात सोने के लिए होती है और दिन जो है जगने के लिए होता है, लेकिन उनका उल्टा हो गया पूरा सब। तो उसमें क्या होता है कि रात में हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन दिन में सो नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि दिन में उतनी नींद थोड़ी आती है, क्योंकि दिन में जो है उतना शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता रहता है, आप सो रहे हैं कोई पता चला आ गया, अब उसको थोड़ी पता है कि आप सो रहे हैं या रात भर पढ़े, कोई बाहर से आ गया तो आपकी पूरी नींद खराब हो गई, और पूरी दिन भी गया और रात भी जाएगी,
रात में भी आप नहीं पढ़ पाएंगे और इससे कहीं ना कहीं वीकनेस आती है, पेट खराब होगा। तो इसलिए जो है रूटीन आपका सही होना चाहिए, टाइम से आपको सोना है, मतलब 12 से 1 बजे के बीच में आप सो जाएं। अगर 1 बजे की उधर गए तो फिर आपको 2-3 घंटे नींद नहीं आना है, है ना। तो वही गाना याद आता, करवटें बदलते रहे, है ना। तो इस तरीके से जो है चीज़ें चलती हैं, मतलब ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि 2 बजे के बाद आप अगर उधर आगे गए तो आपको 2-3 घंटे नींद नहीं आएगी, फिर उधर आएगी 4-5 बजे नींद आएगी। तो पूरा जो है आपका रूटीन चौपट हो जाएगा, फिर सुबह जो है फिर फ्रेशनेस नहीं रहेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और पढ़ेंगे तो उतना कैच नहीं होगा। इसलिए 6-7 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है। आप ये नहीं सोचने अगर कम सो लें तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। आप कम सोएंगे तो आपकी पढ़ाई उतनी नहीं होगी, क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं जो है आपको याद करने में प्रॉब्लम आएगी, रिवाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं तो कहता हूँ 8 घंटे सो फिर देखो कितना मन लगता है पढ़ने। 6 घंटे जो कहते हैं ना, 6 घंटे सोना चाहिए, तो 6 घंटे से ज़्यादा सोना चाहिए, 7-8 घंटे आप सो, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा सोएंगे तो फिर आलस आएगा। कई बच्चे जो है 9-10 घंटे भी सोते हैं, है ना। तो एक बोले कि यार सोते सोते बोर नहीं होते, तो बोले बोर होता हूँ तो फिर सो जाता। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर हम सोते हैं तो जो है और नींद आती है, जब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो और ज़्यादा भूख लगती है, ऐसा होता है। आप कम खाएंगे तो कम भूख लगेगी, कम सोएंगे तो कम नींद आएगी। तो इतनी नींद होना चाहिए सफिशियंट, जिससे आपको जो है पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ठीक है, आज इतना ही, और आगे हम जो है मिलेंगे एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, 1-5 दिन पहले, जिसमें आगे की रणनीति क्या होगी, एग्ज़ाम देते समय हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें।